press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कर्सर कैसे यूज़ करें। आप अपने वन हैंड से फुल स्क्रीन का टच इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट से ज़रूर करना, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से रीचेबिलिटी कर्सर करके एक एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, और यहाँ ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ सेंटर में आपको स्वाइप पैड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ लोकेशन पर क्लिक करके अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ नीचे राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो आपका कर्सर इनेबल हो जाएगा। और इसी तरह आप लेफ्ट साइड में स्वाइप करके कर्सर को इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे आपको साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अपने हिसाब से साइज सेट कर लेना है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 7 सेट कर लेता हूँ। और यहाँ नीचे आपको लेफ्ट और राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसकी पोजिशन को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए राइट साइड को इनेबल कर देता हूँ। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं, और कर्सर को इनेबल करने के लिए आपको राइट साइड में स्वाइप करना है, और यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कर्सर इनेबल हो चुका है। और जहाँ पर भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पर आपको पॉइंट रखना है, और यहाँ ट्रैक पैड पर एक टाइम क्लिक करना है, तो इसके बाद वो हिस्से पर क्लिक हो जाएगा। तो इसी तरह आप वन हैंड से फुल स्क्रीन का टच ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल या परेशानी के लिए मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाली अंदर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।